नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो दोस्तों आज हमने देखा था कि जो मार्केट थी, मार्केट में हमने एक सेल ऑफ आते हुए देखा था। जिस तरीके से लग रहा था कि मार्केट ऊपर खुली है कि आज दोबारा हम ऊपर एक तरफ बाइंग देखेंगे, बट हुआ ये कि 5-15 मिनट की कैंडल पे हमने एक ब्रेकआउट तो देखा कि मतलब यानी कि अब एक रिवर्सल आ सकता है, बट हमें कंफर्मेशन का वेट करना था। बट कंफर्मेशन में बताया कि नहीं, वहाँ पर सेलिंग आ सकती है, जो कि मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाके समझाऊंगा। अब गाइस क्या कर सकते हैं हम लोग, कल के मार्केट पे किस तरीके से काम करते हुए चलना है वो सारी बातें हम लोग देखेंगे, और कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है वो सारी बातें देखेंगे। कल गाइस हमने आप लोगों को एक ऑप्शन बाय कराया था जो कि था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, जिसका टारगेट हमारे हिट हो गए थे। SBI लाइफ आप लोगों को बाय की सलाह दी थी, उसका टारगेट हिट हो गया था। और आपको गाइस बायोकॉन दिया था जो हमारे प्राइस में नहीं आया, तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए। हम लोग टोरेंट फार्मा को ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारे प्राइस में नहीं आया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आप लोगों को शॉर्ट के लिए भी बोला था, जिसका टारगेट हो गया था। सो गाइस अब हम लोगों को कल किस तरीके से काम करना है उसके बारे में बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर लाइव मार्केट पे सपोर्ट की ज़रूरत है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, तो गाइज़ हम लोग वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, आप लोगों को वहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है पूरा का पूरा। तो गाइज़ वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको नाम यहाँ पर दिख रखा है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, और डिस्क्रिप्शन पर भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइडेड है, जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। गाइस आग हम हमारे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि first_investment है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी तक जो हमने लर्निंग प्रोवाइड कराई है वो सिर्फ फ्लैग पैटर्न के ऊपर कराई है। अब हम लोगों ने जो सेकंड लर्निंग स्टार्ट करी है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर स्टार्ट करी है, तो गाइस जाके आप वॉच करिए, ज्वाइन हुई फॉलो करिए, और यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। सो गाइस सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कि हमने आज क्या क्या प्रोवाइड कराया। सो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, सबसे पहले मैं कल के में आता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक STBT दिया था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को सेल करने के लिए, जो कि अराउंड मैंने आप लोगों को बोला था कि 1140 के आसपास शॉर्ट करना, 1116 का टारगेट था, जो कि अचीव हो गया था आज में। ये कुछ हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी थी मदरसन सूबी में 13%, वोल्टाज में 10%, बाटा इंडिया में 13% की। यहाँ पर अगर हम आज कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर हमने एक स्विंग ट्रेड प्रोवाइड कराया था टेक महिंद्रा पे अराउंड 576 के आसपास, और हमारा अभी भी टारगेट है 605 का, जो कि मुझे लगता है कि कल के कल आ सकता है, या कल नहीं आता तो परसों तक आ सकता है, तो इसको भी आप बाय करके चल सकते हैं। ये हमने अपने क्लाइंट्स को जो बाय करवाया था वो 566 के अराउंड बाय करवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आप लोगों को बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन को सेल करवाया था 65 पे, 10 रुपीज़ का टारगेट था, जो कि अचीव हो गया था। गाइज हम लोग थर्सडे और वेडनेसडे को सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करके ही पैसा कमाते हैं, और ऑप्शन सेलिंग करके बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। यहाँ पर अगर आप हमारे पेड कॉल की क्लाइंट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने अपने अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराया था टेक महिंद्रा 566 पे, 584 पे क्लोजिंग है, तो अभी भी फ़ायदा देकर जा रहा है। कैडिला पे थोड़ा सा हमें लॉस हुआ था 3 रुपये का, तो कोई बात नहीं, हमें 20 रुपये का वो फ़ायदा दे गया। हमने 21,000 की बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन को सेल करवाया था 100 रुपये में, 20 का टारगेट था, जो कि अचीव हो गया। 20,800 की कॉल को सेल करवाया था 65 पे, 10 का टारगेट था, जो कि अचीव हो गया। और हमने गाइस बैंक निफ्टी का एक स्विंग ट्रेड दिया हुआ है जो कि 11th जून यानी कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी का 21,600 का कॉल ऑप्शन को बाय बैंक निफ्टी में सेल करवाया 200 रुपीज़ में, जो कि 120 और 50 का टारगेट था। 120 आज के आज ही आ गया था, और मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर अंदर 50 रुपये का टारगेट भी आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी पे तो हमने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है आज, और कुछ लोगों ने तो मुझे टेक महिंद्रा पे स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि उन्हें 8,000 का फ़ायदा हुआ है। तो गाइस आप लोग इस तरीके से ही पैसा कमा सकते हैं। इन ये सारी अगर हमने जो यहाँ पर 4-5 कॉलें प्रोवाइड कराई हैं, उसमें से एक कॉल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कराते हैं एज अ ट्रायल कॉल, जहाँ पर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, और एक कॉल प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर आप लोग कुछ मार्केट में पैसा कमा सकें। सो गाइस हम बढ़ते हैं सीधा चार्ट्स की तरफ और देखते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ, और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में क्या टारगेट है और क्या स्टॉप लॉस है। सो सबसे पहले आता है IRCTC, बाय करने की सलाह 1435 के आसपास बाय करना है आपको, 1445 1453 के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके रखना है 1427 का मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस गलत दिख रहा होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। RBL बैंक शॉर्ट करने की सलाह है बिलो 122 के नीचे शॉर्ट करना है, 120.5 116 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। टेक महिंद्रा बाय करने की सलाह है
यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो गई है, पुराने वाले ओपन हो चुके हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी भी टारगेट बता देता हूँ, ये आप इस वाली स्लाइड को आप छोड़ सकते हैं, मैं आप लोगों को अभी टारगेट बता देता हूँ। 583 की क्लोजिंग है, 585 के ऊपर बाय करना है, 605 का टारगेट है, 605 का टारगेट है, एंड द स्टॉप लॉस यू हैव टू मेंटेन इज 577 का। ओके गाइस, अजंता फार्मा बाय है 1451 के अबव, 1457 1468 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1440 का मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस जस्ट डायल, शॉर्ट करने की सलाह 403 के नीचे, 398 395 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 407.5 का मेंटेन करके रखना है। एक ऑप्शन कॉल जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो टेक महिंद्रा की ही है, जून का आपको 600 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, जो कि अराउंड अभी 14.5 पे ट्रेड कर रहा है। कल अगर ये थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं इसे, और टारगेट 1823 के होंगे। लॉट साइज इसका गाइस 1200 का है, 1200 क्वांटिटीज का है, स्टॉप लॉस आपको 8 रुपीज का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो हम सीधा चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और चार्ट पे जाके देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में सबसे पहले क्या ट्रेड लेना है। उससे पहले मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। सो गाइस, बैंक निफ्टी पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ इस तरीके से आप लोग बैंक निफ्टी को देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या ट्रेड लिया था, मैंने किस तरीके से यहाँ पर बैंक निफ्टी के सारे कॉल्स को सेल करा, यानी कि मैं बियरिश था। आप यहाँ देख सकते थे, ये जो गैप अप आया था, गैप अप आने के बाद हमने देखा था ये वाली क्लोजिंग हुई थी, ये वाली कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी कल पे। मार्केट खुला कहाँ पे, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, रेड ग्रीन कलर की कैंडल एग्जैक्ट यहां पर खुला, और ये रेड लाइन के ऊपर ही मुझे बाय करना था, बट मुझे वेट करना था कंफर्मेशन का। आप कंफर्मेशन के लिए कैसे वेट करते हैं, ये जैसे मैं समझ लेता हूं, ये वाली लाइन है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, सब लोगों के लिए समझने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने देखा इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो गई, अब मैं वेट करूंगा कि जब तक इसके ऊपर दूसरी हरी कैंडल या ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करती है, मैं तब तक अपनी बाय पोजीशन नहीं बनाऊंगा। यही मुझे फॉल्स ब्रेकआउट से बचाता है, क्योंकि 90% फॉल्स ब्रेकआउट जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ब्रेकआउट तो दे दिया, अगली बार वो यहाँ से नीचे आ गया और आप लोग ट्रेड ले चुके होते हैं ब्रेकआउट पे ही। सो ये आप लोगों को ट्रेड लेने का बेस्ट तरीका होता है, मैंने वही करा। मैंने देखा कैंडल ने ब्रेक का ऊपर की तरफ, कैंडल के ऊपर तो कर दिया, मेरा टारगेट था ये, बट मैंने देखा कन्फर्मेशन का वेट करना था। आपने देखा अगली कैंडल बनी रेड, इसके नीचे ही बंद हो गई, मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट हो गया। मैंने यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट कर दिया, 20,800 की कॉल बिकवा दी, यहाँ पर 20,600 की कॉल बिकवा दी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर फायदा कमाया और इस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर निकले हैं। ठीक है गाइस, अब मेरा जो यहाँ पर टारगेट था वो मेरा टारगेट था ये, जो गैप को फिल करना था ये अप्रॉक्स मेरा टारगेट था। अब आप देख सकते हैं यहाँ टारगेट तक तो मेरा इनिशिएट हो गया, टारगेट के नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ दोबारा रेजिस्टेंस लिया और दोबारा नीचे आ गया। अब इस लाइन को ब्रेक करता है, ये पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो इसका जो टारगेट है अराउंड 20,150 का। सो यानी कि अगर अब ये 20,350 को ब्रेक करता है तो 20,150 तक जा सकता है, ये टारगेट्स है। बट अगर ये गाइस इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 20,600 का है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो 20,800 से लेकर 20,900 तक जा सकता है। टेलीग्राम पे आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों प्रोवाइड हो जाएंगे कल सुबह, सो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं पर ही आप लोगों को फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो निफ्टी पे कुछ भी नहीं है, निफ्टी पे मैं आप लोगों को कोई भी सलाह नहीं दूंगा, बैंक निफ्टी ही मुझे ज्यादातर ट्रेडेबल लग रहा है, जिसे मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है गाइस, तब भी मैं एक बार निफ्टी दिखा देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को कल कितनी बार बताया था और एग्जैक्ट वही हुआ है। अगर वो नहीं हुआ होगा, अगर आप लोगों को कुछ YouTube चैनल वालों ने बताया भी होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए ये सारी बातें। आप यहाँ पर देखिएगा, ये वाली चीज आप देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसके ऊपर निकला था, यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पर एक सेल ऑफ आ सकता है और यहाँ पर आप लोग एक सेल ऑफ बना के चल सकते हैं। हमने देखा एक सेल ऑफ आया, ये गैप को फिल कर सकता है, गैप को फिल करा इसने और दोबारा नीचे आया। अब गाइस, एक स्ट्रेट मूवमेंट के साथ तो ब्रेकआउट नहीं दे सकता, क्या करेगा, हल्का सा रिट्रेस लेगा, ऐसे आएगा, फिर जाके ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। तो इस तरीके से करेगा, मैं नहीं कह रहा ये बेयरिश हो चुका है, बट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट, थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनता ही है, कि फिर बाद में जाके एक बहुत स्ट्रांग अप मूव दे। ठीक है गाइस, तो अब मैं स्ट्रांग मूवमेंट में तो हूँ, बट मैं अभी के लिए वीक हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, सबसे पहले बात करेंगे टेक महिंद्रा की।
जो हमने अपने टेलीग्राम पे दिया, अपने पेड सर्विस पे दिया, और आप लोगों को ऑप्शन कॉल भी बाय करवा रहा हूं मैं। यहां पर आप देखिएगा एक स्ट्रेट डाउनफॉल आते हुए देख रहे हैं, ये स्ट्रेट डाउनफॉल आई थी अपने टॉप 850 से, 850 से डाउनफॉल आई, बॉटम बनाया इसने अराउंड 8475 का। ये आप देख रहे हैं ये एक रेंज के अंदर आ गया था, ये देखिए ये एक रेंज के अंदर था, यहाँ रेंज पे इसका ब्रेकआउट देखने को मिला, मैंने ब्रेकआउट पे बाय करा यहाँ पे इस लेवल पे। अब आप देख रहे होंगे बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, एग्जैक्ट सेम ये लाइन भी दिख रही है। मैंने इस लाइन के ऊपर बाय करा, क्यों? मैंने टॉप से लेके बॉटम तक एक फिबोनाची को ड्रॉ करा, फिबोनाची को ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि इस लाइन के ऊपर जैसे ही निकलता है यानी कि 6.8% रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं अपनी बाय पोजीशन बना दूंगा, मेरा टारगेट होगा 610 का, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां आप देखिएगा ये लेवल, अब आप ये देखिएगा ऊपर गिरावट आई, एग्जैक्ट इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है, इसी रेंज के अंदर आप देखिएगा ये रेंज जो देखने को मिल रही है ना, मैं आपको ये दिखाता हूं एक सेकेंड, यहां देखिएगा ये रेंज आपको जो देखने को मिल रही है ना, या ये वाली जो रेंज, ये रेंज की जो है वो 3 महीने की है, यानी कि 3 महीने से एक रेंज के अंदर ये शेयर काम कर रहा था, और जिसका टॉप था 560 का। आज हमने देखा कि 560 के ऊपर जाके यहां पर ये ऊपर गया और क्लोज भी कर चुका है, यहां पर भी जाता था पर विक आती थी फिर नीचे आ जाता, एग्जैक्ट सेम हुआ था, एग्जैक्ट सेम हुआ था, और बहुत बुलिश हमारा बुजू कैंडल है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से ये पहला टारगेट जो कि 610 का है अचीव कर सकता है, और हमने तो अपने क्लाइंट्स को 565 के अराउंड बाय करवा ही दिया है, ठीक है गाइस। ऑप्शन ट्रेड है, फायदा उठा सकते हो यहां पर। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक आप देखोगे तो ये क्या बता रहा है, ये देख सकते हो ये एक रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर हमने क्या चीज देखी, मैंने यहां पर ये चीज देखी कि इसने अपने एग्जैक्ट टॉप पे, यहां देख सकते हो एग्जैक्ट टॉप पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनाई, जो कि टॉप पे बनाई है, ये बियरिश है। उसके बाद हमने देखा कि एक ओपनिंग हुई नीचे की तरफ और नीचे जाके बंद हुआ अपने प्रीवियस कैंडल की तरफ। अब गाइस ये एक सपोर्ट है, ये देख रहे हैं ये एक सपोर्ट है, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा 122 का और उसके नीचे सस्टेन करता है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये अपने एक बार 110 115 के लेवल तक आ सकता है, तो इसको आप शॉर्ट बना के चल सकते हैं, क्योंकि गाइज मार्केट बियरिश है। हमारे पास 3 स्टॉक ही होने चाहिए ट्रेड करने के लिए नीचे में, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक। ये 3 बैंक को आप बेच के चलोगे पैसा आप हमेशा कमाओगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था, हमारा था अजंता फार्मा। अब अजंता फार्मा मैंने क्यों दिया है वो भी आप देख सकते हैं। अजंता फार्मा में आप ये चीज देखिएगा, ये चीज बता रही है मुझे कि ये वाली आप लाइन देखिएगा, ये लाइन क्या बता रही है, यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न टाइप फॉर्मेशन है। ये देखिएगा फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस करने को मिला इस वाली लाइन पे, सेकंड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस था, थर्ड टाइम था, फोर्थ टाइम था, फिफ्थ टाइम था, 5 बार मुझे रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ऐसे, जो कि अब यहाँ पे अपने बॉटम पे ही है एग्जैक्ट। मैं इसे दोबारा हटा देता हूँ क्लियर के लिए। यहाँ देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग इसने रेड कलर कैंडल दिखाई, एक रेंज के अंदर चला गया। अब इस रेंज के ऊपर जैसे ही निकलता है, जो कि 1451 1452 के ऊपर का लेवल है, यहाँ पर दोबारा बाइंग बन सकती है और ये वाले दोबारा लेवल तक जा सकता है। मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी जो ब्रेक होने की है वो हायर साइड में है, क्योंकि ये लेवल जो है, जो कि ये रेजिस्टेंस है, वो वीक हो चुका है। क्यों वीक हो चुका है, यहाँ पर मल्टीपल बार रेजिस्टेंस ले चुका है, और अगर एक चीज़ को मल्टीपल बार छूता है तो वो चीज़ ब्रेक होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी उसके 70-80% होते हैं, ठीक है गाइस। तो मेरे लिए ये तभी बुलिश है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आप लोगों को कौन सा दे रखा है, IRCTC दे रखा है। तो IRCTC को अगर मैं चेक करता हूं तो वो क्या बता रहा है मुझे, या सो IRCTC को देखिए, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसे मैं वेज पैटर्न भी कह सकता हूं अगर आप मान के चले, तो ये वेज पैटर्न है। आप यहां देख सकते हैं ये इस तरीके का बनता है, यहाँ पर जब ट्रेड करने की जगह खत्म हो जाती है तो या ऊपर ब्रेक करेगा या फिर नीचे ब्रेक करेगा, पॉसिबिलिटी होती है। ये एक चैनल है, स्टॉक इसके अंदर काम कर रहा है, अब इतना छोटा होते रहेगा, यहाँ देख रहे हो ये नीचे गया ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जगह छोटी हो गई, अब जगह ही नहीं बची, या ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा।
अब कैसे पता लगाया ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा, मैंने यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची बनाया, मैंने क्या चीज़ देखी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड इस लेवल पे। या आप देखिएगा मल्टीपल बार इसने 50% रिट्रेसमेंट लेवल का फिबोनाची पे सपोर्ट लिया है। यहाँ देख रहे हैं मल्टीपल बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और ऊपर गया है। अब अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, और प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर ब्रेक करेगा, तो टारगेट क्या है, ये है 161%, 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 1528 का है। बट ये चांसेस है कि ये 3-4 दिन के अंदर दिखाए तो हमारे लिए इंट्राडे टारगेट्स होगा ये एंड ये। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस, शेयर करिए वीडियो को। अगर अभी तक आप लोगों ने जीरोधा पे अकाउंट नहीं खोला तो जीरोधा का अकाउंट खोलने का लिंक नीचे है, जाके खोल सकते हैं। वेरियस बेनिफिट्स वहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं आप लोगों को, सो वाइज वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट आता है वीडियो से रिलेटेड मेरे से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोगों के रिप्लाई नहीं करे जाएंगे, सिर्फ आप लोगों के रिप्लाई मैं टेलीग्राम पे करूंगा या फिर आप लोगों के कमेंट सेक्शन पे होंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार हैं, ऐसी एजुकेशनल वीडियो ही आप लोगों को प्रोवाइड होगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस हमारी पेड सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, सब्सक्रिप्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं गाइस। हर महीने की हम स्टार्टिंग के मंडे को स्टार्ट करते हैं, तो बैचेस ऑन हो चुके हैं 20 लोगों के लिए। सो जो भी इंटरेस्टेड 20 बंदे हैं, वो लोग 20 पीपल इंटरेस्टेड हैं, वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं मंडे से पहले, क्योंकि हम मंडे को बैच स्टार्ट कर देंगे। कोई भी क्वेरीज आती है तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज, सिर्फ प्रीमियम पेड कॉल से रिलेटेड आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर आप मुझे @शिवांश भसीन जो कि मेरा नाम है, आप वहाँ पर मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कोई भी आप लोगों की क्वेरीज का आंसर वहाँ नहीं करूँगा, सिर्फ कमेंट सेक्शन पे होगा। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चार्ट्स पे आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो भी आप मुझे बताइएगा। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो भी ये वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं, अगर उन लोगों ने मेरे इंडिको शेयर को, आपको पता होगा मेरे अगर आप प्रीवियस वीडियोस पे जाएंगे तो मैंने 1-1.5 हफ्ते पहले ही वहाँ पर इंडिको शेयर आप लोगों को बोला था, एक अलग से पूरी वीडियो बनाई थी इंडिको के ऊपर कि 930 रुपये पे है, बाय करो बाय करो बाय करो, टारगेट होगा 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये का, और आज 1100 रुपये का छू चुका। तो मेरे जो प्रीवियस पेड क्लाइंट्स थे उन लोगों ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों ने भी वो ले रखा है तो प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट उसे सेंड करें मेरे मेल या मेरे टेलीग्राम के थ्रू, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो गाइज मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, साइन।